अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं लेके आई हूँ ट्रोजर, पेंट ट्रोजर। ये पेंट की तरह होता है लेकिन लूज होता है, आम घरेलू पहनने के लिए, घर पहनने के लिए। एक होता है पेंट पजामा, जो बिल्कुल स्टाइलिश बच्चियां पहनती हैं कि वो सीधा साधा पहना और बस आए गए कहीं। लेकिन जब घर में काम करना हो तो ये इसी तरह ये लूज पेंट होना चाहिए। ये देखिए, है तो पेंट पजामे की तरह लेकिन ये ट्रोजर है, और इसकी कटिंग भी थोड़ी और होती है और इसका सिलाई भी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। अब मैं इसकी आपको इसकी पहले तह लगाने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है और इसको मैं पहले अपनी सलवार के, ये जो मेरे पास पजामा है, इसकी मदद से इसकी लंबाई देखूंगी। पहले इसकी लंबाई कितनी है, ये तैयार 37 इंच है, 37। तो मैंने 1 इंच बड़ा रखना है, मैं 38 रखूंगी। ये इसकी लंबाई होगी। अब मैं लंबाई लूंगी इसकी। जो शलवार या पजामा लेते हैं उसको ऐसे डबल करके लेते हैं। ये पैंट की तरह इसकी कटाई होनी है तो इसको मैं सारा खोल लूंगी। खोल के इसकी 2 इंच की, ये जो मैंने नीचे अंदर कवर करना है, ये हो गया। और ये इसकी लंबाई होगी तैयार। अब जो इसके अंदर नेफा बनाना है वो ये हो गया, 39.5 इंच, और मैं 40 ले लूंगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा हो जाएगा तो ठीक है, अगर कम हो गया तो फिर जोड़ लगाना पड़ेगा। ये डबल कर लिया मैंने, एक दफा फिर मैं देख लूं। ये इसका नेफा हो गया, और ये इसकी नीचे से जो अंदर की तरफ मैंने मोड़ना है कपड़ा, इसका मतलब है ये सही परफेक्ट है। ये जो फालतू कपड़ा है इसको मैं अलग कर लूंगी। ये हो गया। अब इसको मैंने इस तरह, ये डबल कपड़ा किया हुआ है, अब इसको मैं इस तरह ऐसे इस तरह फोल्ड करूंगी, इस तरह। अब ये मैंने ये सिलाई का रखते हुए मैं 2 इंच तक इसको फालतू रखूंगी, नीचे वाले कपड़े को। ये बैक साइड होगी और ये फ्रंट साइड होगी। ये हो गया। अब मैंने इसका घेर देखना है कि मेरा इसका घेर कितना है। ज्यादातर ट्रोजों का घेर 15 या 16 इंच होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। जो पैंट पजामे होते हैं जो बिल्कुल शिलिंग होते हैं, तो इसका मैंने 16 भी नहीं रखना, मैंने इसका इसके हिसाब से रखना है, क्योंकि ये लूज बना रही हूं मैं। ये 18.5 इंच तैयार है तो मैं इसको 19 इंच रख लूंगी, क्योंकि इधर से मेरी सिलाइयों का मैंने रख लिया हुआ है और इधर से मैंने सिलाई का ही लेना है। ये हो गया। इसकी मैंने 19 19 19.5 रखूंगी, 19 इंच। अब इसको मैं ऐसे बराबर करते हुए जितना मेरा है, ये
ये हो गया। अब मैंने कटिंग करने के लिए इसको इस तरह मोड़ लेना है, इस तरह ऐसे, क्योंकि मुझे पता चले कि मेरी 19 इंच किधर आता है, तो ये 18.5 से बनता है, तो मैं इतना ही रख लूंगी, ठीक है, क्योंकि जो आम पजामे होते हैं ये वो 16 इंच या 15 इंच रखते हैं, और ये मेरा इतना बनता है। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है, और आपको ये बताना है कि कटिंग करते वक्त हमने इसकी कटाई का थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपने ये देखना है कि मैं किस तरह कटिंग कर रही हूं। ये ऊपर से इसका आसन रख रही हूं, इधर से आप ये देख लें जिधर मैंने आसन रखना है, जिधर मैंने सिलाई लगानी है, आपने 4.5 इंच तक इधर निशान लगाना है। अब इसको गुलाई शेप देनी है थोड़ी सी, जिस तरह हम बाजू की कटाई करते हैं उस तरह थोड़ी सी हमने गुलाई देनी है, इधर तक आ गया। इस निशान को इस निशान तक हम मिला के लेके आएंगे इस तरह। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। ये हो गया। अब हमने इसका नीचे से पांचा देख लेना है कि कितना है, हमने 8 इंच पांचा रखना है। ये देखिए 8 इंच। अब मैंने इधर से लेके इधर, ये तो हो गया सिलाई का निशान, मैं 8.5 ले लूंगी इधर से, ये हो गया। अब मैंने ये, आपने ये ध्यान से देखना है, ये जो 10 इंच तक होता है ट्रोजर वो इधर से ऐसे थोड़ा सा सीधा सीधा होता है, शलवार की कटाई इस तरह होती है, पजामे की कटाई इस तरह होती है, ये ट्रोजर की कटाई थोड़ी और तरीके से होती है। ये 10 इंच तक आ गया। अब 10 इंच मैं इसको थोड़ा सा गुलाई में लेके जाऊंगी, थोड़ा सा, ये हो गया। अब इसको मैं इधर ले आऊंगी, ये हो गया। अब मैं इसको, इस ट्रोजर को जो आपके पास समझ आ रही है कि ये मैं पहनूंगी तो मुझे सही लगता है, मुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, तो आप उसको एक दफा ऐसे रख के देखें कि ये इसकी कहीं कम तो नहीं हो गई। ये देखें, बिल्कुल इसमें कोई कम पेश ज्यादा नहीं है, तो मैं इसकी कटिंग इसी तरह कर लूंगी, ये हो जाएगी। अब आपने ये जो फ्रंट साइड है, ये वाली जो कम है उसको इधर से 1 इंच इस तरह 1 इंच इधर से, और इधर से नामलूम सी कटाई करनी है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि इधर से ऐसे जोर पड़ जाता है, ये होगी।
ये हो गया। अब अगर हमने इधर से कटाई की है तो थोड़ी सी जिस तरह बाजू की हम अगले साइड पे थोड़ी सी कटिंग करते हैं, आधी आधी इंच की हमने, ज्यादा नहीं आधी आधी इंच की हमने इधर से कटिंग कर लेनी है। ये है इस ट्रोजर की कटिंग। अब हमने सिलाई लेनी है, करनी है। सिलाई करते वक्त भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपने सिलाई करनी है, जो बच्चे सीख रहे हैं, जिनको आता है उनको पता होगा, जिनको नहीं आता जो सीख रहे हैं उनको, ये देखें ये कटाई की है मैंने, मैंने पहले इन दोनों चीजों को सिलाई कर लेना है आपस में, फिर इन दोनों को आपस में करूंगी। इस तरह ये होगा कि ये जो कम या ज्यादा अगली या पिछली साइड पे नहीं आएगा, ये आगे ही आएगा। ये जो कम हिस्सा है, जो फ्रंट साइड की कटाई है, इसके आसन को पहले मैं सिलाई लगा लूंगी, फिर इसके आसन को लगा लूंगी। ये बैक साइड की आसन की सिलाई लगाई है, और ये फ्रंट साइड की ऐसे, इसलिए मैंने इस तरह रख लिया है कि अब मैंने इसको ऐसे पकड़ के इधर सिलाई लगा लेनी है और इसको ऐसे पकड़ के इधर सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है आपको सिलाई का, आप इसी तरह सिलाई कीजिएगा। ये मैंने, और ये भी मैंने पूरी की पूरी लगा ली है, फुल सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको आप ऐसे पकड़ के बताती हूँ कि ये देखें, ये इतना फर्क आया हुआ है इस कटिंग पे जो फ्रंट पे आई है। जो आम लोग हैं जो सिलाई नहीं जानते, उनके घर ये कपड़ा सिल के जाएगा तो वो तो बोलेंगे कि इसको आता ही नहीं है, इससे देखो कितना फर्क डाल लिया है। लेकिन इसका फर्क का मतलब ये है कि जब आप पहनेंगे तो इधर से झोल आती है ना, जो वो पहने हुए अच्छा नहीं लगता, ये वो नहीं आएगी। एक बात, दूसरा बात आपको ये पता चल जाएगा कि ये फ्रंट साइड है, अगर तो आप दूसरा इलास्टिक डाल रही हैं तो चौड़ा, तो फिर आप सिलाइयों की मदद से ये ध्यान से आगे की तरफ आपने ये करके पहनना है। अगर आप दूसरा इलास्टिक जिस तरह मैं नेफा बना के डाल रही हूँ, तो ये आप उधर से जो रास्ता नाला डालने के लिए बनाते हैं वो आगे की तरफ रखें इस साइड पे। ये हो गया। अब इसका मैं नेफा बना के और नीचे से इधर सिलाई लगाऊंगी। उससे पहले मैं ऐसे पकड़ के जो फ्रंट साइड है, जो कम चीज है, उसकी तरफ इसको ऐसे करके कपड़े को इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी किनारे किनारे पे। कपड़ा इस तरह इस तरफ मोड़ के जो कम हिस्सा है, और ये जो नीचे वाला जो सिलाई है, जो कपड़ा है, वो इस तरफ मोड़ के तो उसके किनारे किनारे पे आप सिलाई लगाएं इस तरह। ये पूरी नेफे तक मैं इधर भी लगाऊंगी और दूसरी साइड पे भी लगाऊंगी, और नीचे से कवर करके तो साइड सिलाई लगा के आपको फाइनल लुक बताती हूँ। इस सिलाई के बाद मैंने नेफा बनाया, इसके बाद ये मैंने पांचा बना लिया, और पंच के बाद अब ये मेरी फाइनल लुक है। ये मेरा पेंट पजामा तैयार है, इस तरह ये मेरा पेंट ट्रोजर तैयार है, और ये लूज है बिल्कुल आम घर में पहनने के लिए। अगर आपको पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।